Hello students of class 12th, I hope you all are fine at your home. Students, हमने summer vacation से पहले आपका writing skill के portion में काफ़ी सारा work किया था. Notices, advertisements, poster, invitation, their replies, letter writing में official letter, letter to editor, business letter, ये सब कुछ किया था, जिसमें से CBSE ने आपके poster making और आपके official and business letter delete कर दिए. तो बच्चों, आज हम जो है आपका जो फोर्थ टाइप का लेटर है, एप्लीकेशंस फॉर अ जॉब, हम उसको डिस्कस करेंगे. ये आपके लिए न्यू है. आपने ये जो है लास्ट ईयर जो है अपनी पिछली क्लास में भी नहीं किया था स्टूडेंट्स, तो इसलिए इसे जो है हम आज स्टार्ट करेंगे. तो इसको करने से पहले मैं एक इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगी. बच्चों, जो एप्लीकेशन फॉर जॉब होती है ये किस लिए होती है? जब आप जो है अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे, अभी आपका स्कूल चल रहा है, देन यू विल गो टू कॉलेज, यू विल हैव सम डिग्री और सम कोर्सेज यू विल डू इन योर लाइफ. तो उसके बाद में क्या है, आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे. तो जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है एक अपनी डाटा शीट बनानी होती है, एक रेज्यूम तैयार करना होता है. एक एप्लीकेशन आप लिखते हैं हैंड रिटन और उसके साथ में अपना जो है रेज्यूम लगाते हैं, ताकि आप जो है अपनी जो भी कोई जॉब है उसके लिए अप्लाई कर सकें. तो बच्चों, ये जो आपका जो है ड्राफ्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड प्रिपेयरिंग अ डाटा शीट और रेज्यूम टू बी सेंड अलॉन्ग विद इट और इंडिपेंडेंटली आर अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल्स का जितना भी पोर्शन आपने अब तक इस क्लास तक जितना भी कवर करा है, उसमें ये एप्लीकेशन लिखना एम्प्लॉयमेंट के लिए और उसके साथ अपना रेज्यूम डाटा शीट लगाना जो है सबसे इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल है. और सारे प्रैक्टिकल पर्पज़ इसके लिए आपका जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सेल करना, बेचना. और एक जॉब एप्लीकेशन लेटर जो है वो सेल करता है एक पर्सन की सुटेबिलिटी किसी भी जॉब के लिए या फिर उसकी एबिलिटी टू वर्क. इट इज़ अ परसुएसिव इन अप्रोच एंड इंड्यूस एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द रेसिपिएंट. और बच्चों, ये जो है ना आपका जो है जो आप जो जिसको भी आप जो है अपना जॉब का एप्लीकेशन भेज रहे हो, तो आपके बारे में जो है ये छोटा सा जो है एक डिटेल देता है, आपकी एक नटशेल में बताता है कि आप जो है किस लायक हो, आपने क्या क्या किया हुआ है और आप में क्या क्या एबिलिटीज़ है, वो सब ये जो है लेटर जो है ये वाला आपको बताता है. आप उस लेटर के जरिए बताते हैं जिसको भी आप जो है जिसके यहाँ पर भी जिस भी कंपनी में फर्म में आप जो है अप्लाई कर रहे हैं. एन एप्लीकेशन लेटर ऑफन हैज़ अ रेज्यूम एज सपोर्टिंग मटीरियल एनक्लोज विद इट. और बच्चों, जो एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशन का लेटर होता है उसके साथ में एक रेज्यूम लगा हुआ होता है जिसे बायोडाटा कहते हैं, करिकुलम वाइटी कहते हैं, और उसमें जो है आपके बारे में सारी डिटेलिंग होती है और वो एक सपोर्टिंग मटेरियल के रूप में लगाया जाता है और लेटर पहले लिखा जाता है और लास्ट में बायोडाटा लगाया जाता है. अब इसके जो टाइप्स हैं बच्चों, बेस्ड ऑन द कंडीशन सिचुएशन व्हेन दे आर सेंट. बच्चों, इसके जो लेटर के टाइप्स हैं ये डिपेंड करते हैं उस कंडीशन पर, उस सिचुएशन पर जब हम वो लेटर भेजते हैं. एन एप्लीकेशन फॉर जॉब कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. एक जॉब एप्लीकेशन जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है. सॉलिसिटेड, यानी कि ये वो एप्लीकेशंस होती हैं विच आर सेंड इन रिस्पॉन्स टू जॉब एडवर्टीजमेंट. ये बच्चों वो एप्लीकेशन है जब आपने कोई न्यूज़पेपर में या कहीं पर आपने इंटरनेट पर जो है आपने कोई जॉब की एप्लीकेशन देखी है, जॉब का एडवर्टीजमेंट देखा है आपने, ठीक है ना, कि फला कंपनी में इस पोस्ट पर जॉब खाली है, फला स्कूल में इस सब्जेक्ट के लिए टीचर की पोस्ट खाली है, तो आप जो आपने एडवर्टीजमेंट देखा है तो आप उस एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्स में जो है एक जॉब एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, वो लिख करके भेज रहे हो, वो आपका सॉलिसिटेड कहलाता है. और अनसॉलिसिटेड होता है व्हेन एप्लीकेशंस आर सेंट एट द राइटर्स इनिशिएटिव. जब जिसको नौकरी की आवश्यकता है, जो व्यक्ति बेरोजगार है वो खुद इनिशिएटिव लेकर के लेटर लिख रहा है कि उसको नौकरी की आवश्यकता है. इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर वुड बी फाउंड सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. और ये इस अजम्पशन पर आधारित होता है कि जिसने वो एप्लीकेशन लिखी है उसकी क्वालिफिकेशन और उसका जो एक्सपीरियंस है वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सुटेबल है, उस जॉब के लिए प्रॉपर है और पोजीशन के लिए जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को उसने लेटर लिखा है. इन बोथ द केसेस द राइटर इज सपोज टू गिव ऑल रेलेवेंट डिटेल्स ऑफ हिज क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस एट्सेट्रा. और दोनों ही केस में, चाहे सॉलिसिटेड हो या अनसॉलिसिटेड हो, दोनों ही केस में जो है जो राइटर है जो जॉब एप्लीकेशन लिख रहा है व्यक्ति, उसको जो है अपनी रेलेवेंट डिटेल्स देनी होती है, अपनी क्वालिफिकेशन बतानी होती है, अपना एक्सपीरियंस बताना होता है, अपने बारे में मेन सारी बातें उसको बतानी होती है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेट्स और वेज
ऑफ प्रेजेंटेशंस एप्लीकेशंस फॉर एम्प्लॉयमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब जो फॉर्मेट होता है या फिर जो प्रेजेंटेशन का वे होता है एप्लीकेशंस को एम्प्लॉयमेंट के लिए देने के लिए, उनको हम इन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपका आता है एप्लीकेशन लेटर्स और लेटर स्टाइल एप्लीकेशन। दूसरा आता है एप्लीकेशन इन्यूमरेटिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेंट्स क्वालिफिकेशंस एट्सेट्रा। तीसरी आती है एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ कवरिंग लेटर अकम्पनिंग रेज्यूम। और चौथा आता है एप्लीकेशंस ऑन प्रेस्क्राइब फॉर्म्स। चार तरह से ये एप्लीकेशंस हम लिखते हैं। एक में हम एप्लीकेशन लेटर लिखेंगे, दूसरे में जो है हम एप्लीकेशन ऐसे लिखेंगे जिसमें कि हमारे सारे पर्टिकुलर्स आएंगे एप्लीकेंट के क्वालिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड। तीसरा होता है कि एप्लीकेशन होती है कवरिंग लेटर के फॉर्म में और उसके साथ में रेज्यूम लगा हुआ होता है। चौथा होता है आपकी एक एप्लीकेशन किसी पर्टिकुलर फॉर्म पे। कुछ जो बच्चों कंपनीज होती हैं या कुछ स्कूल्स होते हैं ना, वो जो एप्लीकेंट उनके पास जॉब करने के लिए आता है, अप्लाई करने के लिए आता है, उससे एक पर्टिकुलर फॉर्म भरवाते हैं। इस रूप में भी होता है। अब हम इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे जॉब एप्लीकेशन को। जॉब एप्लीकेशन इज़ टू बी रिटन इन टू पार्ट्स। बच्चों जॉब एप्लीकेशन को हम टू पार्ट्स में लिखते हैं। अ कवरिंग लेटर मस्ट बी अकम्पेंड विद अ बायोडाटा रेज्यूम करिकुलम YT। एक कवरिंग लेटर के साथ में आपको जो है बायोडाटा लगाना है जिसको हम रेज्यूम कहते हैं और उसी को हम करिकुलम YT भी बोलते हैं। द कवरिंग लेटर इज़ बेस्ट रिटन इन क्लियर पैराग्राफ्स। जो कवरिंग लेटर है वो सबसे अच्छा जो है क्लियर पैराग्राफ्स में लिखा जाता है। पहला पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, इट डील्स विद द रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट फॉर द जॉब स्टेटिंग क्लियरली। इसमें जो है हम उस एडवर्टीजमेंट का रेफरेंस बताएंगे जिस एडवर्टीजमेंट से हमारे को उस जॉब के बारे में पता चला है। वेयर द एडवर्टीजमेंट अपीयर्ड, उसमें हम बताएंगे कि वो एडवर्टीजमेंट कहाँ पर था, किस पेपर में था, कौन सी डेट में था, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, डेट ऑफ इशू ऑफ एडवर्टीजमेंट, स्पेसिफिक जॉब और पोस्ट बीइंग अप्लाइड फॉर। हमने न्यूज़पेपर का नाम बताना है, एडवर्टीजमेंट की डेट बतानी है और साथ में हमको बताना है कि किस स्पेसिफिक जॉब के लिए जो है वो एडवर्टीजमेंट था, या उस पोस्ट का नाम बताना है जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। देन सेकंड पैराग्राफ में हम ब्रीफली जो है बताएंगे अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को, अपना वर्क एक्सपीरियंस को और करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को बताएंगे। लास्ट पैराग्राफ में जो है हम लोग एंड करेंगे कवरिंग लेटर को, उसमें मेंशन करेंगे हम अपनी रीज़न, हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, एनक्लोजर देंगे, एनक्लोजर्स में हम अपना बायोडाटा लगाएंगे और फेवरेबल कंसिडरेशन ऑफ द जॉब ऑफ द एप्लीकेशन और उस एप्लीकेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस बताएंगे। देन लास्ट क्लोज द लेटर गिविंग नोट दैट द बायोडाटा रेज्यूम इज एनक्लोज। साथ में हम जो है उस लेटर को ख़त्म करेंगे, क्लोज करेंगे ये नोट देते हुए कि बायोडाटा जो है उसमें साथ में लगा हुआ है। द बायोडाटा शुड कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स। अब बच्चों बायोडाटा में क्या क्या होता है, लेटर तो आपने लिखना सीखा हुआ है, बायोडाटा में क्या क्या लिखना होता है। सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, उसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं, आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस जहाँ से आपको कम्युनिकेट किया जा सकता है। देन सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपने क्या पढ़ाई करी हुई है, आपने किस ईयर में जो है आपने एग्ज़ाम पास करे, अपने मार्क्स बताने हैं, आपको उसके सब्जेक्ट भी बताने हैं जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या कोई हायर क्वालिफिकेशन। देन थर्ड नंबर पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी वो स्टेट करेंगे आप। देन फोर्थ में अपना वर्क एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपने किस किस कंपनी में, किस किस फर्म में, कितने कितने साल के लिए वर्क किया है, कब से कब तक वर्क किया है, किस पोस्ट पर वर्क किया है। देन फिफ्थ नंबर पर आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे, वो किस से रिलेटेड होती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कोई अगर आपके पास स्पेशल स्किल्स हैं आप वो बता सकते हैं, आपको जो लैंग्वेजेस पता हैं, सपोज़ हिंदी इंग्लिश तो आपको आती है, उससे अलग आपको कोई और लैंग्वेज की नॉलेज है वो आप मेंशन कर सकते हैं। हॉबीज़ बता सकते हैं, अपने कोई स्पेशल अचीवमेंट्स या कोई स्पेशल अवार्ड्स आपको मिले इस तरह की चीज़ बता सकते हैं, अपना मैरिटल स्टेटस हो गया, अपनी हाइट हो गई, एज हो गई, वो आप मेंशन कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है आपका सैलरी एक्सपेक्टेड, आपको कितनी तनख्वाह की उम्मीद है। सेवन्थ पॉइंट पे आप रेफरेंस देंगे। अब बच्चों जो रेफरेंस है ना उसमें आपको जिसके भी बारे में आप, जिस व्यक्ति की आप रेफरेंस दे रहे हैं आपको उसका नेम और उसकी डेजिग्नेशन बतानी है जिससे कि आपके बारे में जो है जानकारी ली जा सकती है, जैसे कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल हो गए या आपके पुराने जहां पर आप जो है पहले एम्प्लॉय करते थे, जहां पर आप पहले काम करते थे उस कंपनी के कुछ लोग हो गए, हाई पोस्ट के लोग हो गए, इस तरीके से। अब बच्चों इसमें डूज और डोंट्स क्या हैं। डूज में आपको क्या करना है, यूज़ द न्यू फुल ब्लॉक स्टाइल अलाइनिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द लेटर टू द लेफ्ट। आपको जो है क्या करना है, आपका लेटर जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखना है, ये आपको पहले से ही पता है, 11th क्लास से आप जानते हैं
कि लेटर आपको लेफ्ट साइड से ही लिखना है पूरा। द कवरिंग लेटर शुड बी वेल ड्राफ्टेड टू रिफ्लेक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ द राइटर। आपका जो कवरिंग लेटर है वो अच्छे से ड्राफ्ट होना चाहिए ताकि राइटर की पर्सनैलिटी का उस पर अच्छा रिफ्लेक्शन पड़े। अटेंशन टू डिटेल, और आपको डिटेल देना, कम्युनिकेशन स्किल और एंथुजियाज्म का ध्यान रखना है अपने एंथुजियाज्म का। और स्टाइल ऑफ कवरिंग लेटर शुड बी फॉर्मल, और आपको फॉर्मल वे में लेटर लिखना है, इनफॉर्मली नहीं लिखना है। डोंट्स क्या है, डोंट यूज आउटडेटेड एक्सप्रेशन सच एज रिस्पेक्टेड सर, योर ओबीडियंटली, आई बैक टू से, थैंक यू, एट्सेट्रा।